क्या आपके पर्सन को दुख है आपको खोने का? टू ऑफ सोर्ड्स, किन्हीं दो चीजों में वो फंसे हुए हैं। एस ऑफ कप, लेकिन आपके पास नई शुरुआत करने आना चाहते हैं। और ये तीसरा कार्ड आया है नाइन ऑफ कप का, जो ये दिखा रहा है कि उनकी सारी विशेस कंप्लीट करने के लिए दुनिया में एक इंसान है, जो वो हो आप। आपसे ही उनकी सारी खुशियां हैं, आप ही हो जो उनकी ज़िंदगी में खुशियां ला सकते हो, और वो आपको खोना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते। आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए हैं, आपके सामने मैंने बिछाए हैं, और ये देख लो क्या निकल रहा है। वो आपको कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहते, कभी भी नहीं। वाओ, द लवर, सोलमेट वालों की रीडिंग्स आ रही हैं आज तो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप ही हो उनका सब कुछ। अगर वो अपने घर गृहस्थी में किसी को नहीं मना पा रहे हैं, कहीं स्टक हो गए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का रिश्ता अच्छा बन जाएगा। वो अपने घर वालों को मना लेंगे, लेकिन वो ज़िंदगी की नई शुरुआत आपके साथ ही करना चाहते हैं। द टावर, अभी आप लोगों के झगड़े हुए पड़े हैं, अभी आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, कोई बात ऐसी हुई जो उनके घर वाले नहीं चाहते। मुझे यहाँ थर्ड पार्टी कोई नहीं दिखी इस रीडिंग में, थर्ड पार्टी अभी तक मुझे कोई नहीं दिखी। नेक्स्ट लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक में से कार्ड, वाओ, सिक्स ऑफ कप मैंने यहाँ से कार्ड बिछाए, और देखिए पहला कार्ड मैंने उठाया सिक्स ऑफ कप का। तो पक्का, मैं पहले ही कह रही थी द लवर्स के कार्ड को देख के कि ये सोलमेट वालों की रीडिंग है, और पक्का आप लोगों की शादी होने के चांसेस 2000% है। उनके घर वाले हैं जो नहीं मान रहे हैं, या उनका कोई ऐसा काम है जिसे लेके वो परेशान है, लेकिन जैसे ही वो सॉल्व हो जाएगा वो आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे, और आप दोनों की शादी होकर रहेगी। ये मेरी तरफ से पक्का प्रॉमिस है आप लोगों के लिए। ये रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं होगी, ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरे को इंस्टा पे मैसेज करना पड़ेगा, मेरी इंस्टा आईडी है simmi9356, वहाँ आके मुझसे मैसेज करो। पे रीडिंग मैं करती हूँ, आपसे वहाँ पे बात कर लूँगी। ओके, तो ये रीडिंग थी आज सोलमेट वालों के लिए। कांग्रेचुलेशन, आप लोग डेफिनेटली मिलोगे। ओके व्यूअर्स, बाय, टेक केयर।